हैप्पी हो यार? या आई एम हैप्पी, फाइनली आई एम हैप्पी, फाइनली मैं अपने डिसीजन पे आई हूँ। ये थोड़ा वहाँ चलेंगे, थोड़ा पीछे जाइए, यस यस यस, जाइए जाइए, यस यस यस, जी चलो सीढ़ी वाला। अरे पीछे आना, चल ना, वही वहाँ पे कर ला। डन, आई नो, एंड सब चीजें का मेला खत्म खत्म, रोज के आंसू, रोज का दर्द, रोज के ड्रामे, वन एंड ओनली खत्म। छोटू इधर चलिए, इधर बहुत आवाज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ जाइए। साइलेंट साइलेंट साइलेंट, इधर बोलो। स्ट्रेस खत्म, और आदिल और तनु के स्ट्रेस जो है वो स्टार्ट। आदिल ने फाइनली डिसीजन ले लिया कि वो तनु के साथ रहेंगे। कल मुझे बोल दिया उन्होंने कि मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के तनु के पास, मैं उसके साथ रहूँगा। सो अपना सब साफ साफ ऐसा बोल दिया उन्होंने, साफ बोल दिया, पैक पैक करके चले गए। और उसका क्या, जो शादी हुआ है, जो वीडियो है, उसका क्या? हाँ, मुझे बर्बाद किया ना, शादी किया तो आपने माफ किया, आपने कर सकती हूँ, आपने ऐसे जाने दिया? मैं कोर्ट जाऊंगी, कचहरी जाऊंगी, हर जगह जाऊंगी। मतलब अभी आप अपनी लड़ाई लड़ोगे? एक मिनट मुझे बात करने दो, आप मुझे बीच में मत डिस्टर्ब करिए। तो अभी इनको जाने दो, अब मैं क्या करूं? थोड़ा सा यहां देखो, बीच में कोई लोग खड़े रहते हैं ना, अजीब सा लग रहा है, इसलिए यहाँ नहीं खड़े। बाहर उन्होंने डिसीजन ले लिया, मुझे बोला कि मैं तुम्हें जा रहा हूँ छोड़ के। मैंने बोला तुमने मुझसे शादी की, मेरा इस्तेमाल किया बॉलीवुड में आने का, सीढ़ी बनाया बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए। मेरे सारे पैसे जितने मेरे पास थे उन्होंने ले लिए, मेरे पास सारे प्रूफ है। मेरा गंदा इस्तेमाल किया, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, तो मुझे टॉर्चर हुआ है। शादी के बाद पता चला कि उन पे कितने क्रिमिनल केसेस है मैसूर में, शादी के बाद पता चला कि इनके इतने सारे अफेयर्स चल रहे हैं। 8 महीने की शादी में 4 लड़कियों को मैं अफेयर छुड़वा चुकी हूँ, ये चौथी थी। एक दिन कुरान की कसम खाई सुबह, मैं आप लोगों को भेज देती हूँ वीडियोस कुरान के, फ़ोन नहीं दिखाना चाहूँगी, कसम उन्होंने खाई कुरान पे हाथ रख के। वीडियोज़ में आपको दे रही हूँ कि मैं नवेदिता को परमानेंटली ब्लॉक कर दूँगा, लेकिन सुबह कसम खाते हैं रात को मिलते हैं, सुबह कसम खाते हैं रात को मिलते हैं, ऐसे 5-6 बार किया। अरे आप मुसलमान हो, आप कुरान की कसम कैसे खा सकते हो? शेम ऑन यू आदिल, आज तुम दिल से नज़र से उतर गए। कुरान पे हाथ रख के कसम खाने के बावजूद आप उसके साथ अवैध संबंध रख रहे हो। एक मैंने उनको एक बोला कि हम एक अच्छा वैलेंटाइन का वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो हराम है हमारे में, आप सिगरेट पीते हो, आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें कहते हो, करते हो जो मुझे अभी नहीं कहना है, जो हराम है। बीवी होते हुए पराई स्त्री के साथ रहते हो, अफेयर करते हो, जो कि हराम है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं कैमरे में नहीं कहना चाहूँगी, उनका नाड़को टेस्ट हो, मैं क्या बोलूँ, जो हराम है बहुत सारी चीज़ें, मैं मतलब यू नो मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ। तो पता नहीं उनको ऐसा लगा कि मुझे यूज़ कर लिया, फेमस हो गए हैं, मेरे 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा
डेढ़ करोड़ से भी ज़्यादा उनको बिजनेस के लिए, जब शादी की थी तो उन्होंने पहले शर्त रखी थी जब शादी के बाद तुरंत कि मैं मैसूर छोड़ के आ गया हूँ और हम हमारा बिजनेस शुरू करते हैं तो मुझे डेढ़ करोड़ दो। तो डेढ़ करोड़ मैंने दिया और आज वो देने के लिए तैयार नहीं है मेरे पैसे। मैं कोर्ट से ले लूँगी। आदिल मेरे पास आपके चेक है, आदिल आपके लेटर्स हैं, मुझे शरीर से बदनाम किया, आत्मा से बदनाम किया, पैसों से बदनाम किया। मेरी माँ आखिरी सांसें मेरी माँ हॉस्पिटल में ले रही थी और आप 31 को लड़की के साथ डिस्को में डांस कर रहे थे, उसका बिस्तर गर्म कर रहे थे और उसके साथ थे। सारे वीडियो भेजे हैं मैंने। आपने मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं दिए। मैं पैसे हालांकि आपको 10 लाख रुपये देकर गई थी। आपने वहाँ पर भी रादल प्रोडक्शन में शूटिंग किया, राधिल प्रोडक्शन के लिए मैं देकर गई थी। हाय गाइस सॉरी, हाँ मैं थोड़ा इंटरव्यू कर रही हूँ। राधिल प्रोडक्शन में मेरा फिल्म बनाने के लिए मैं उनको 10 लाख का चेक लेकर गई थी, देकर गई थी बिग बॉस मराठी में। तो इन्होंने अपना सोलो अकाउंट खोल के उसमें 10 लाख का चेक डाल दिया। एक ये धोखा किया मेरे साथ, मेरे 1.5 करोड़ ले लिए। मेरे पास चेक है, मेरे पास वीडियोज़ है 1.5 करोड़ के। उन्होंने बोला हुआ लिया, बोला कार का बिजनेस करेंगे, लेकिन जैसे अकाउंट में पैसा डाला उन्होंने मेरा OTP मेरे फ़ोन से लेकर इमिडिएटली 6-7-8 कार ले ली। आदिल कितना सता हो गया? आदिल तुमने कहीं का नहीं छोड़ा तुम्हारी बीवी को यार, रस्ते पे ला दिया, कंगाल कर दिया तुमने, तुम्हारी बीवी को कंगाल कर दिया। तुम क्या चाहते? तुमको मैंने कितनी बार माफ किया? तेरी गाड़ी तेरे पैसे हड़प लेगा आदिल खान दुरानी, जैसे मेरा सब हड़प लिया, मेरा सब हड़प लिया। देखते अब किस किस को शिकार करता है आदिल खान दुरानी। शुक्रिया, चलो कोई उठाओ मुझे। रोना क्या है अब? अब इस आदमी को सबक सिखाना है, रोना नहीं है। नहीं नहीं रोऊंगी नहीं। मेरा अल्लाह, मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, मेरा जीसस मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेगा, मेरे एक एक आंसुओं का बदला। शुक्रिया। आप लोग ग्रुप में हो ना? छोटू भी है?